हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली डज इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या ये प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी के लॉ को बेसिकली ओबे करता है कि नहीं करता है तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों लेंस लॉ बेसिकली कब इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों देखें की कंसेप्ट तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा बच्चों इंड्यूस्ड फ्राइडे की जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली एम एफ का एक फॉर्मूला निकलस डी मैगनेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो जो नेगेटिव साइन sign का सिग्निफिकेंस था वो बेसिकली हमको लेंज ने ही क्लियर किया था ठीक है तो यहां पर लेंस लो होता है बच्चों अपना लेंस लो इज पे लेंस लो होता है बच्चों द पुलरिटी और यू कैन सी दैट द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इज सच दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट अपोज इट अपोज the change in magnetic flux it opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production aap simple likh sakte hain responsible for its production ye hamari basically lens law responsible for its production clear अब यहां से क्या हमें basically क्लियर हुआ जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि जिसकी वजह से ये बनाए उसी को अपोज करता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ए में बना सर्किट कंप्लीट है तो करंट बनेगा तो जिसकी वजह से करंट बनाए उसी को ये क्या करेगा अपोज करेगा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी अभी कह अब ये हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों यहां पर हम एक सपोज करो एक कॉइल ले लेते हैं ठीक है ये हमने कॉइल ले ली यहाँ पे बच्चों ठीक है और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट ले ली ठीक है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ठीक है अब इस कॉइल के अंदर बेसिकली करंट की डायरेक्शन मेरे को आइडेंटिफाई करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए अब जब आप नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं इसका मतलब मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं तो इस बेसिकली कॉइल में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस क्या होंगी चेंज होंगी और चेंज कैसे होंगी इंक्रीज होंगी जैसे जैसे पास लेके जाएंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी जो उससे लिंक कर रही होंगी वो इंक्रीज होंगी अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से क्या बनेगा बच्चों करंट बनेगा अब वो करंट जो बना है वो इस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोज करेगा अब ये अपोज किस डायरेक्शन में कर सकता है तो देखिए अपोज करने के लिए यहाँ पे देखिए अगर अगर मैं इस कॉइल पर नॉर्थ पोल यहाँ पे अगर शो हो जाए नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी रिपेल करेंगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक कर रहा है वो क्या होगा डिक्रीज होगा अगर आपको मालूम है करंट की डायरेक्शन अगर नॉर्थ सॉरी अगर पोल पर जो फेस है अगर वो नॉर्थ बेसिकली पोलैरिटी शो कर रहा है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होगी करंट की डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज यही अगर मैं सेकंड केस लेता हूं सपोज करो यहां पर ये यह मैंने एक कॉइल ले ली ठीक है और ये मैंने एक मैग्नेट ली अब मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं अब क्या होगा बच्चों जब मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी डिक्रीज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज भी नहीं होने देगा क्योंकि इसका काम क्या अपोज करना अगर बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देगा कम हो रही है तो कम नहीं होने देगा ठीक है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी अब डिक्रीज कब नहीं होने देगा जब ये भी अपना यहां पर सॉरी यहां पे क्या बना ले अपना ये साउथ फेस बेसिकली या साउथ पे अगर ये इंड्यूस हो जाती है तो साउथ और नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फीडलाइंस क्या होंगी बच्चों यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी उस अट्रैक्शन की वजह से जो फील्ड लाइंस कम होती है वो कम नहीं होंगी तो इसका मतलब यहाँ पे इस फेस पे अगर साउथ पोल बन जाता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों क्लॉकवाइज सो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों

कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ओबे the principle of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है कैसे ओबे करता है तो आपको सपोज करो यहां पे, पे हमने एक कॉयल ले ली ठीक है और यहां पे हमने एक गैलोमीटर ले लिया और हमने यहां पर एक बार मैग्नेट ले ली ठीक है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जब ये दोनों रेस्ट पे थे वैन आर एट रेस्ट तो क्या होगा बच्चों कोई करंट बना था क्या आपने कोई एनर्जी प्रोवाइड करी इस मैग्नेट को या कॉइल को कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी नहीं दोनों रेस्ट पे तो इसका मतलब कोई मैकेनिकल मैकेजी नहीं कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिली लेकिन जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है वैन देयर इज अ रिलेटिव मोशन वैन देयर इज अ रिलेटिव मोशन तब क्या देखने को मिलेगा आपने क्या प्रोवाइड करी मैग्नेट को मैकेनिकल एनर्जी आपने प्रोवाइड करी और जब आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी तो कॉइल के अंदर क्या बन गया बच्चों फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट बन गया तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इसका मतलब कह सकते हैं कि मैकेनिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है बेसिकली उसको बेसिकली प्रॉपर फॉलो कर रहा है ओबे कर रहा है हमारा लेंस लॉ ठीक है सो यहाँ पे ये यह चीज भी करेक्ट हो गई ठीक है तो यही दोनों पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे इसको हमने आपको क्लियर कर दिया आई होप यू अंडस्टेड वेल बेस्ट ऑफ लक बच्चों